बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ग्राफिक्स मैनर्स। ग्राफिक्स मैनर्स में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फ्रीलांसिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर पे किस तरह जो है वो आप फाइवर अफिलिएट का काम करके, अफिलिएट मार्केटिंग करके अच्छा कमीशन जो है वो अर्न कर सकते हैं, और इसमें क्या गलती है जो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो ये कर रहे हैं, जिसमें कि उनको क्लिक्स भी आ रहे हैं और इंप्रेशन वगैरह भी आ रहे हैं, उसके अलावा जो है वो उनकी सेल्स नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बताऊं कि फाइबर जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कोई फ़ीस चार्ज नहीं होती अनटिल आप जो है वो अर्निंग करते हैं। ठीक है, जब आप अर्न करना शुरू कर देते हैं तो उसकी अर्निंग में से ही वो कमीशन लेता है। ठीक है, और इसी तरह जब बायर पे करता है तो उसकी पेमेंट में से वो कमीशन लेता है। फाइवर इसके अलावा कोई भी फीस चार्ज नहीं करता। उसकी जो फीचर्स वगैरह अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं तो फिर वो उसके लिए जो है वो पेमेंट उसके जो है वो गिवन होती है, उसके बाद उसमें जो है वो आप उस हिसाब से पेमेंट करके और वो चीज़ हासिल कर सकते हैं, वो फीचर यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहले जो होता था कि फाइवर जो है वो रेफ़र का एक ऑप्शन देता था कि रेफ़र आप जो है वो अपने लिंक के थ्रू जो है वो आप जो लोगों को रेफ़र करेंगे फाइवर पर, तो फाइवर आपको क्या करता था कि $100 तक जो है वो आपको इसकी जो बेनिफिट्स मिलते थे, लेकिन बेनिफिट्स की सूरत में मिलते थे कि ये आपको एक क्रेडिट स्कोर मिलता था जिसके थ्रू आप फाइवर की सर्विसेज जो हैं वो किसी सेलर से जो है आप सर्विसेज जो है वो हासिल कर सकते हैं, यानी कि बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रेडिट को आप विड्रॉ नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसमें जो बायर होता था उसे 10% ऑफ मिलती थी उसकी फ़र्स्ट परचेज पे, और जो सेलर होता था वो 10% उनकी जो ऑर्डर अमाउंट का मिलता था, और $100 तक, यानी कि मैक्सिमम अगर वो 10% जो $100 बनता है तो 100 तक मिलेगा, उसके अलावा अगर 100 से ऊपर हो जाएगा तो वो 100 तक ही देंगे वो 10% कमाने जो है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई 5000 की परचेज़ आपकी करता है, ठीक है, आपका जो बायर है वो जो आपका एफिलिएट है वो 5000 की परचेज़ करता है तो 500 प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, वो आपको 10% जो है वो $100 ही मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें इन्होंने अब जो काम किया, जो एफिलिएट का ऑप्शन इन्होंने दिया, ठीक है, फाइवर एफिलिएट, तो फाइवर एफिलिएट किस तरह वर्किंग कर रहा है कि फाइवर एफिलिएट में जो हमारे जो जितने भी दोस्त हैं जो सेल नहीं ले पा रहे हैं, उसमें गलती क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसका जो लिंक है वो हम प्रमोट कर रहे हैं कि उन लोगों को जो पहले ही ऑलरेडी जो है फाइवर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उससे हमें क्या है, हमें वो कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, और क्योंकि जो फाइवर पर पहले ही लोग हैं वो सिर्फ क्लिक्स तो उनके आ रहे हैं लेकिन उनके रजिस्टर होने से ही हमें जो सेल्स आएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने उन बंदों को या उन विजिटर्स को फाइवर ज्वाइन करवाना है जो फाइवर पर पहले नहीं है, उनके ज्वाइन करने से हमें बेनिफिट होगा, फिर उनके परचेज़ करने से हमें जो है वो कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो हम जो है वो अब इसको फाइवर पर जो अपनी जो सर्विसेज है वो प्रमोट करते हुए हम फाइवर पर न्यू जो बायर्स हैं उनको लेके आएंगे। FTBs होता है, फर्स्ट टाइम बायर, ठीक है, उनको लाने से जो है वो हमें कमीशन मिलता है। अच्छा, ये कमीशन प्लान है, कमीशन प्लान में हम जो है वो सब एफिलिएट, यानी कि हम अपने अंडर एफिलिएट भी वो जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक वो दिखाऊंगा कहाँ से जो है वो आपने अपना लिंक लेना है, उसके थ्रू जो अगर अपनी आप टीम बनाते हैं तो आपको 10% जो है हर बंदे का जो कमीशन है वो आपको भी वो भी मिलेगा। ठीक है, वो जितना भी काम करेगा तो उसका भी वो 10% जो रेवेन्यू का होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद CP है, फिक्स CP है, ठीक है, $100 है। उसके बाद जो है ये प्रोडक्ट वाइज CP है, ठीक है, इसमें आप कौन सी प्रोडक्ट आपकी जो है वो अगर बायर वो ख़रीदता है या बायर जो है वो आपके थ्रू जो आया हुआ बायर है वो कोई चीज़ ख़रीदता है, इसमें आपको CP जो है वो प्रोडक्ट वाइज जो है इस हिसाब से पे होता है। और अगर आप जो है वो फाइवर हाइब्रिड को करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एज अ कमीशन प्लान, तो फिर आपको $10 जो है वो CP अमाउंट मिलती है, और दूसरी जो है वो बायर की वजह से जितना भी फाइवर रेवेन्यू कमाएगा उसका 10% जो है वो आपको मिला करेगा। इसी तरह फाइवर लर्न है, अगर कोई कोर्सेज जो है वो कोर्सेज की वजह से ज्वाइन करता है फाइवर को तो 30% जो है उसके रेवेन्यू का वो आपसे शेयर करेगा। और इसी तरह वर्क स्पेस है, ठीक है, वर्क स्पेस पे भी रेवेन्यू शेयर होगा 50% तक। ठीक है, वर्क स्पेस की फ़ीचर्स जो कोई भी बायर इस्तेमाल करेगा
तो वो आपको 50% तक जो है रेवेन्यू शेयर करेगा, रेवेन्यू का शेयर करेगा फाइवर। ये सब एफिलिएट्स है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना जो सब एफिलिएट की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, और उसका अपने जो लिंक जो है, ये स्पेसिफिक लिंक है हमारा फाइवर एफिलिएट का, ठीक है। तो हम जब इसे शेयर करेंगे, जो भी बंदा इसके थ्रू फाइवर को ज्वाइन, फाइवर एफिलिएट को ज्वाइन करेगा, ठीक है, जब हम इसको पेस्ट करेंगे, तो ये लिंक जो है वो फाइवर एफिलिएट्स के प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए पेज ओपन करेगा। और जो भी सब एफिलिएट आपका बनेगा, उसके जितना भी वो कमीशन अर्न करेगा, उसका 10% जो है वो भी आपको मिलेगा। इसके बाद जितने भी आपकी पेमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। इसमें थ्रेश होल्ड है $100 का, तो $100 जब आपके यहाँ कंप्लीट होंगे बैलेंस में, ठीक है, वो बंदा एलिजिबल होगा उसको विड्रॉ करने के लिए। लेकिन इसमें कुछ टाइम होता है, ठीक है। इसमें जिस तरह फाइवर में मैच्योरिटी होती है कि 14 दिन के बाद मैच्योर होती है पेमेंट और हम इसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें भी 1 मंथ की इन्होंने प्रोजेक्शन रखी हुई है कि उसके बाद जो टेन्योर पूरा करेगा उसका जो प्रोबिशन एक तरह का रखा है, ठीक है, वो 1 मंथ के बाद जो है वो पेमेंट मैच्योर हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि किस तरह जो हम लिंक शेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये जो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सर्च की है, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे एक पोस्ट शेयर करना चाहता हूँ जिसके थ्रू मैं अपने लिंक को प्रमोट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे $50 जो है वो सर्विसेज ओपन कर ली हैं, ठीक है। 15,000 रिजल्ट्स हैं, और इसमें जो है वो आप इसकी प्राइस कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक यहाँ से इसका कॉपी कर लेता हूँ, प्राइस आप बजट के हवाले से जितनी भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से भी मैं दिखा दूँ आपको, जो जो पहले लिंक है उनके थ्रू आप जो अगर उनको शेयर करते हैं, आप जो डीप लिंक में आप किसी भी फाइवर के पेज को अगर शेयर नहीं करते, तो आप सिर्फ अपने जो ऑटोमेटिक जो लिंक आए हुए हैं, ठीक है, ये फाइवर CPA और फाइवर हाइब्रिड वगैरह का, तो आप इन्हें शेयर करते हैं, तब भी जो कोई भी बायर जो उनको यूज़ करते हुए साइन अप होता है, तब भी वो जो है वो डायरेक्टली वो आपको ही उसका जो है बेनिफिट होगा। तो डीप लिंक्स इसलिए शेयर करते हैं कि ताकि वो इसमें सर्विसेज जो है वो आप शेयर कर सकें, और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ताकि बायर जो देखेगा उसे, ज़ाहिर बात है वो सिर्फ पेज साइन अप का नहीं शो होगा, उसे एक सर्विस शो होगी, उस सर्विस को देखते हुए वो जब साइन अप होगा तो डेफ़िनेटली आपको भी बेनिफिट होगा, लेकिन वो सर्विसेज की वजह से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ज़रा इसमें ये फाइवर बिज़नेस का भी देखें, अगर फाइवर बिज़नेस कोई ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बेनिफिट्स, वो टीम वर्क अगर बनाएगा, ठीक है, कुछ भी करेगा, ज्वाइन करेगा, तो उसमें जितनी भी अर्निंग होगी उसका रेवेन्यू भी आपसे शेयर होगा। और इसी तरह फाइवर वर्क स्पेस है, और इस पर फाइवर लर्निंग है, ठीक है। तो हमसे ये डीप लिंक्स पे जाते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट डीप लिंक्स पे जाके जाने के बाद जो है हमने जो लिंक अपना कॉपी किया हुआ था, ये देखिए मैं आपको एक मतलब फिर दिखाता हूँ दोबारा। लिंक इसका था, हमने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के साथ और बजट अंडर 50 रखते हुए जो इसमें फ़िल्टर किया हुआ था रिज़ल्ट, हमने रिज़ल्टेड जो इसका लिंक होगा, ये रिजल्टेड लिंक जो है हम इसे कॉपी करेंगे, और हम जो है वो ये लिंक प्रोवाइडर पे हम इसे जो है पेस्ट करते हुए जो है ये एक लिंक जनरेट कर देंगे। ठीक है, ये लिंक जनरेट हो चुका है, और तमाम जो है वो कमीशन प्लान जो है उसके हिसाब से ये लिंक्स जो है वो अलग अलग शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि फाइबर हाइब्रिड जो है वो आप इसको चूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि एक तो आपको FTBs का जो है वो कमीशन भी मिलेगा, और जो है इसके बाद उसका जो रेवेन्यू, जितना भी फाइबर जो उससे रेवेन्यू अर्न करेगा उसका 10% जो है वो आपको वो मिलता रहेगा। तो इसमें आप इसको कॉपी कर लें इसके लिंक को, ठीक है, और लिंक को कॉपी करने के बाद जो अर्न करेंगे कटले, कटले में हम जो है वो लिंक शॉर्टनर पे इसको जो है पेस्ट करने के बाद जो है इसे शॉर्टन लिंक कर देंगे, और लिंक शॉर्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पे इसका जो है वो
लिंक को जो अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसका नेम जो लिंक लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़र रख दिया, तो यहाँ पे जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि कोई भी नेम इसका जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिंक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़र रख दिया है, कुछ और भी लिखेंगे तो आप इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो लिंक हम जनरेट कर चुके हैं, ठीक है, ये लिंक हमारे पास आ चुका है और हम इसे कॉपी करेंगे। और ये जो एक दफ़ा का जो लिंक जनरेट किया हुआ है, ये आपके 30 डेज़ जो है वो ये काम करेगा। 30 डेज़ के बाद जो है वो आपको एक नया लिंक जनरेट करना पड़ेगा, इसलिए जो है वो लिंक एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने जो पोस्ट वगैरह भी करनी है तो कोशिश यही करनी है कि पोस्ट किसी एक प्लेटफॉर्म पे या एक जगह पे करें, उस पोस्ट को आप मुख्तलिफ जगह पे शेयर करें, ताकि उस पोस्ट से जिस पोस्ट पे आप चेंज करेंगे उस पोस्ट पे जो है वो आप लिंक टाइम टू टाइम जो है चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो जो भी ऑडियंस है, अगर वो उस लिंक पे आती है, आज आए या महीने बाद आए या 2 महीने बाद आए, तो अगर वो लिंक वो पुराना होगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा, उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। और अगर वो सेम लिंक वो सेम पोस्ट के ऊपर आपने लिंक चेंज करते रहेंगे, तो जहाँ जहाँ पे भी उसका लिंक शेयर हुआ होगा वो आपको जो है वो बेनिफिट देगा और वो एवरलास्टिंग जो है उसका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। तो आपने सिंपली जो है वो ये कॉपी किया हुआ था, ठीक है, आपने अपने लिंक्डइन पे आ जाएँ। लिंक्डइन पे आप जो है अपने पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं और जो अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कोई कॉन्टेंट थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप कंटेंट थोड़ा सा लिखेंगे कि किस तरह जो है वो आप अपनी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ प्रोफाइल विच मीन ठीक हो गया। इस पोस्ट के साथ जो है वो मैंने जो लिंक है अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़र्स का, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। तो जैसे भी जो कोई भी मेरी इस पोस्ट को रीड करेगा वो डेफिनेटली जो है वो इस लिंक को क्लिक करेगा, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो फाइवर की इस सर्विस से इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं होंगे। ठीक, तो जो भी कोई इसको ज्वाइन करेगा फाइवर को, ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन पे वो एफटीपी होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम बायर होगा फाइवर के ऊपर, और फाइवर जो है उसका कमीशन भी मुझे देगा। और उसके बाद जो है वो इन फ्यूचर ज़ाहिर बात अगर जो फाइवर पे जो भी बंदा आता है उसे इस चीज़ का इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि उसे जो भी काम है वो चीप रेट्स में जो है वो इस प्लेटफॉर्म से मिल जाता है, फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं आराम से, तो फिर वो मुश्किल ही है जो बायर जो है वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ कर जाएँ। तो वो इस पर काम करते रहते हैं, ठीक है, जो बायर है उसने बाय भी करना है, सेल भी करना है, जब वो जब वो बाय करेगा उसके रेवेन्यू में से जो भी उसे अर्निंग होगी उसके रेवेन्यू में से फाइवर जो है वो 10% जो है वो मुझे पे करता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही हमारी अर्निंग जो है वो $100 क्रॉस करती है तो हमारा वो थ्रेशहोल्ड पूरा होने के बाद जो है हमारा अकाउंट एलिजिबल होता है कि हम उसे विड्रॉ कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह जो है आपने फाइवर एफिलिएट से फ़ायदा उठाना है, और फाइवर एफिलिएट का काम करते हुए आपने फाइवर की प्रमोशन करनी है, ठीक है, किसी गिग की प्रमोशन नहीं करनी है, आपने की फाइवर की प्रमोशन करनी है और फाइवर पे आपने बायर्स को लेके आना है। तो मेरा खुद का भी ये कॉन्सेप्ट था कि शायद जो ज़्यादा सेल कर रहा होगा बंदा उसकी गिग को ज़्यादा शेयर करने से जो है वो हमें भी उसका रेवेन्यू का कुछ हिस्सा मिलेगा, और इस तरह जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है, तो अब जो है वो मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ, इंशाल्लाह जो है वो मैं ख़ुद भी अब इस पे जो है काम मैंने स्टार्ट कर दिया है, और इंशाल्लाह जो है वो आपसे इसका जो रिजल्ट्स जो है वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा।
तो आप भी कोशिश करें कि इस चीज़ को समझ के और आप इसे बेनिफिट उठाएं। और कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल फेक समझ के जो है ना वो इन्होंने इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो उनको क्योंकि ज़ाहिर बात क्लिक्स आ रहे हैं तो उसके बाद जो है उन्हें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई सेल नहीं है। तो सेल्स उसी सूरत में होगी कि जब आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस यानी कि जो फाइवर पे नहीं है लोग उनको फाइवर पे लेके आएंगे, तो फिर ही इंशाल्लाह जो है वो आपको इसका बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।